80 वर्ष के उम्र में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। जी हाँ, 1857 के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह का आज भोजपुर की धरती पर विजयोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस विजयोत्सव समारोह को लेकर लोग कितने उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोगों का हुजूम जो है वो दुलौर स्थित सभा स्थल पर पहुंच रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो विजयोत्सव इस बार का आयोजन किया गया है, इस विजयोत्सव में एक साथ 1,00,000 लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर इस विजयोत्सव में शामिल होंगे और इसके मुख्य अतिथि के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। आप, हम सीधे आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों का एक भारी हुजूम इस विजयोत्सव समारोह में शामिल होने के लिए उमड़ पड़ा है जगदीशपुर की धरती पर। हम यहाँ जो इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं लोग, उनसे बात करते हैं कि वो किस उमंग के साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मधुबनी से जी। क्या कैसा उमंग दिखाई दे रहा है? खुशी को मंगाए कि मतलब आज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा पार्टी बनाने के लिए जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि 1,50,000 तिरंगा फहराने के बाद यह विश्व रिकॉर्ड बनेगा वो चीज। पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये जो विजयोत्सव है, इस विजयोत्सव की धूम पूरे बिहार में है या पूरे भारत में? पूरे भारत वर्ष में, पूरे विश्व में ही है। बाबू वीर कुंवर सिंह को लोग जो अपने ये जो कहा जाता है कि बिहार की धरती को 80 वर्ष में जो हम लोग बोलते हैं 10 वर्ष ओल्ड नहीं, ये बिहार की धरती 80 वर्ष यंग है और ये 80 वर्ष यंग का जो साबित है बाबू वीर कुंवर सिंह की जो धरती है, जो अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए हुए थे, इस भूमि को नमन करते हुए हम लोग आज मधुबनी जिला से यहाँ आए हैं और बहुत गर्व है कि आज तिरंगा, पहले जो पाकिस्तान का 70,000 तिरंगा लेकर अपना देश का झंडा लेकर के विश्व गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया था, आज ये भारतीय बिहार की धरती बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती के शुभ अवसर पर 1,50,000 तिरंगा के साथ बीज और बुक में नाम दर्ज करेंगे और बाबू वीर कुंवर सिंह को अमृत को ले जाएंगे। बात कहना है, देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है और लोगों में विजयोत्सव को लेकर काफी उत्सुकता भी दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक था, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को भारत आज इतिहास रचने जा रहा है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराने जा रहा है। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा का भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किया गया है, जगह जगह पे पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि खुद इस सुरक्षा का मॉनिटरिंग भोजपुर SP विनय तिवारी कर रहे हैं, बहुत सारे जो भी पुलिस के अधिकारी हैं चप्पे चप्पे पर तैनात हैं ताकि विजयोत्सव में किसी तरह की कोई खलल ना हो। और आपको हम सीधे तौर पे दिखा रहे हैं जो मुख्य द्वार है इस विजयोत्सव का, ये 4 मुख्य द्वार बनाया गया है जिससे एंट्री की जा रही है लोगों की। VIP की अलग एंट्री है, आम लोगों की अलग एंट्री है, कार्यकर्ताओं की अलग एंट्री है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जगदीशपुर में आज काफ़ी उत्सुकता का माहौल इस वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव पर देखने को मिल रहा है। सहयोगी विकास के साथ सोनू सिंह, आरा।